बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनने वाले और लोगों के बीच पैसा बांटने वाले पप्पू यादव अब लोगों से, आम लोगों से एक एक रुपया मांग रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पूर्णिया लोकसभा की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उन्हें पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बनाएगी। अंततः ना तो कांग्रेस चाहिए और ना ही राष्ट्रीय जनता दल चाहे कि पप्पू यादव को गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, जिसके बाद मजबूर पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से ताल ठोक दिए हैं, उन्होंने नॉमिनेशन भी करा लिया है। अब पप्पू यादव लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पप्पू यादव जो बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनते थे, जहां जिसको आर्थिक मदद की जरूरत होती थी वहां 1,50,000 रुपए वो आर्थिक मदद भी करते थे, अब वो खुद लोगों से पैसा मांग रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए। लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि एक वोट दीजिए और साथ ही साथ कम से कम एक नोट, एक रुपया मुझे दीजिए, ताकि उस एक रुपया से हम पूर्णिया में चुनाव लड़ सके। देखिए पप्पू यादव की तरफ से प्रणाम पूर्णिया की बड़ी तस्वीर के साथ चंद लाइनें लिखी हुई है। पप्पू यादव की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूर्णिया के लिए एक वोट और एक नोट। पूर्णिया लोकसभा के देवतुल्य जनता से अपील है कि आप अपने बेटे को पूर्णिया के स्वर्णिम विकास के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में आशीर्वाद स्वरूप एक वोट के साथ एक नोट, और उस एक नोट में कम से कम एक रुपया का सहयोग जरूर करें। मतलब पप्पू यादव लोगों से वोट मांग रहे हैं और साथ ही साथ ये आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम एक रुपया आप मुझे दान कीजिए, आप मुझे सहयोग कीजिए, ताकि आपके एक रुपया से हम चुनाव लड़े, हम जब तक रहेंगे पूर्णिया के लिए रहेंगे, पूर्णिया की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसे में आपका आर्थिक सहयोग भी चाहिए। तो पप्पू यादव ने इसी के साथ ही अपना QR कोड और अकाउंट डिटेल्स भी दिया, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नाम राजेश रंजन, अकाउंट नंबर 5576249658, IFSC कोड है CBIN0280068। इसी के साथ फोन पे और गूगल पे भी दिया गया है UPI आपका बेटा papu@YBL। गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर जो है वो भी दिया गया है, वो भी आप एक बार सुन लीजिए। गूगल पे, फोन पे नंबर जो व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है गूगल और पे फोन के जरिए, उनके लिए नंबर भी दिया गया है 8877716888 नंबर दिया गया है, और QR कोड भी दिया गया है। तो जो पप्पू यादव बेसहारा के लिए सहारा बनते थे, जो पप्पू यादव लोगों को आर्थिक मदद करते थे, जो पप्पू यादव जहां पूरी सरकार और सिस्टम फेल नजर आती थी वहां पप्पू यादव पहुंचते थे, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना जैसी महामारी हो, जब लोग अपने घरों में कैद थे, सरकार भी सुरक्षित नहीं थी, तब पप्पू यादव लोगों के बीच जाकर लोगों को मदद कर रहे थे। मतलब मानिए लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, आज उस पप्पू यादव को आपकी एक रुपए की जरूरत है, और इसीलिए पप्पू यादव आग्रह कर रहे हैं लोगों से, खासतौर पर पूर्णिया के लोगों से, कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में आपको एक रुपया मुझे दान करना है, आप मुझे एक रुपया दीजिए, आपके एक रुपए से हम पूर्णिया में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम करेंगे, जो हमारी पहचान रही है। बिना सांसद रहते हुए हम इतना काम कर सकते हैं, तो जब सोचिए जब सांसद भवन पहुंच जाएंगे तब हम क्या कर सकते हैं। और इसी के तहत पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल ठोक दिया है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भी दिया गया है, कांग्रेस पार्टी चुनाव यहाँ नहीं लड़ रही है, इंडिया गठबंधन तरफ से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, लेकिन पप्पू यादव का मानना है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और उस साजिश का जवाब देंगे चुनाव जीत कर। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल बेशक ना चाहती हो, लेकिन पप्पू यादव अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बड़ी बात, पप्पू यादव जो पैसा बांटते हैं आज वो पैसा मांग रहे हैं लोगों से। कल भावुक हो गए थे, रोने लगे थे मंच पर राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, और आज पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि एक वोट के साथ एक नोट कम से कम दीजिए और उस एक नोट से हम चुनाव लड़ेंगे। एक रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और लोग डोनेट भी कर रहे हैं, लोग दान भी दे रहे हैं पप्पू यादव को, इस व्यक्ति ने हमेशा मदद किया है, आज इस व्यक्ति को मदद है तो हम जरूर करेंगे। पप्पू यादव ने जो तस्वीरें पोस्ट की, जो UPI दिया, जो अकाउंट डिटेल दिया, वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको तय करना है कि पप्पू यादव को एक रुपया देना है, वोट देना है या फिर नहीं देना है।
फिलहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।